अखिलेश जी, मणिपुर में जो घटना हुई है, कल प्रधानमंत्री ने कहा बहुत दुखद घटना है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 77 दिन तक उनके एक शब्द नहीं निकले, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर को न पता हो। सच्चाई तो ये है कि आज आरएसएस की नफरत की राजनीति, आरएसएस की बांटने की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट कैसे बढ़े, लड़ाई और झगड़े और नफरत से लोगों में दूरियां हो जाए, उन्हें वोट कैसे मिले, इस दिशा में लगातार वो प्रयोगशाला की तरह मणिपुर को इस्तेमाल कर रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ, कई लोगों ने जान दे दी, जान खो गई और न जाने कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें आईं कि एक महिला को जिस तरीके से घुमाया गया, और एक नहीं दो दो महिलाएं थीं, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं हुई हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा हमारे संस्कृति पर धब्बा लगने की बात कोई नहीं हो सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर इस बात को देख रहे हो। जो मणिपुर में हुआ है, ये इतने दिनों के बाद तस्वीर आई, जो संस्थाएं थी आईबी वो क्या रिपोर्ट दे रही थी, इनके पास बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी समय समय पर देती हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? जब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लगाएंगे आप, तो वो सच्ची सचना घटनाओं के बारे में क्यों जानकारी देंगे? ये बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता दोषी हैं। वहाँ पर जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से यही अपील होगी मणिपुर की जनता से कि झगड़ा, हिंसा, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मिल बैठ करके और जो समस्याओं का समाधान कर सके, वैसे वहाँ के लोगों को समस्या का समाधान के लिए सोचना चाहिए। संसद में आज राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में आप किसकी जबान दबाओगे, आप कितने कैमरे बंद करोगे, कितनी सूचनाएं रोकेंगे, और फिर ये चर्चा या कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। आखिरकार सरकार ये सब घटनाएं क्यों छिपा रही थी?